झारखंड की साहिबगंज के बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या के मामले में सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। विनोद कुमार गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने निर्धारित किया गया है। 6 महीने के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार एक सदस्यीय आयोग दिवंगत रूपा तिर्की द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने से संबंधित सभी विषयों को देखेगा। सीएम ऑफिस के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय में विशेष दखल देते हुए जांच आयोग का गठन करते हुए कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि जांच आयोग अपना काम करेगा और इस मामले में बोरियो थाने में दर्ज के तहत जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। दरअसल 3 मई 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की साहिबगंज के पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटकी मिली थी। साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया था। इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया था। आत्महत्या का कारण रूपा तिर्की के प्रेमी उसके बेचमेट सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को, जो कि चाईबासा पुलिस बल में कार्यरत था, उसे माना था। SIT की जांच में ये दावा किया गया था कि शिवकुमार कनौजिया रूपा तिर्की को तरह तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। शादी का झांसा देकर उसका दिल तोड़ा था, जिससे आहत होकर भावना में आकर रूपा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।